हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होती क्या है और उसमें कौन कौन से इनिशिएटर्स को हम यूज कर सकते हैं। उनमें हमने उसके मोनोमर्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। आज हम मैकेनिज्म करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का। इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आता है वो है रेडिकल जनरेशन। ऑर्गेनिक परोक्साइड्स और एजो कंपाउंड्स अंडरगो होमोलिटिक फिजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जब हम इनिशिएटर्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसमें ऑर्गेनिक परोक्साइड और एजो कंपाउंड्स एज अ इनिशिएटर यूज होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, होमोलिटिक फिजन, जिससे कि हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सिंपली क्या रहेगा, इनिशिएटर रहेगा, किसी टेम्परेचर पर वो डिसोसिएट हो जाएगा, उसकी होमोलिटिक फिजन होगी और हमारे पास टू रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है इनिशिएटर बेंजोइल परोक्साइड। तो बेंजोइल परोक्साइड ये है, तो इसमें जैसे ही इसको हीट करते हैं 323 केल्विन टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑक्सीजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वापस ले लेंगे, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ, और मैंने हाफ एरो शो किया है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब एक ये वाला रेडिकल जनरेट हो जाएगा और एक ये वाला रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, दो रेडिकल जनरेट हुए ना, तो इसलिए हमने टू लिख दिया, टू C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बेंजोइल रेडिकल। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास ये एक रेडिकल है, ठीक है। तो अब इसके पास कितने और इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, एक ये है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड फर्दर डिसोसिएट करता है इस टेम्परेचर पर, ये वाला बॉन्ड फर्दर डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास ये क्या है, फिनाइल रेडिकल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी डिसोसिएट कर जाएगा, यहाँ पे भी टू इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है, और एक चला जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारा C6H5 टू थे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, ये टू रेडिकल्स जनरेट हो गए हमारे पास, टू फिनाइल रेडिकल। अब यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन है इसके पास ये वाला रेडिकल है, ठीक है, ये है इसका रेडिकल। और हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन के पास भी एक रेडिकल है, यहाँ पर भी हमने इसे शो किया है। तो ये वाला रेडिकल और ये दोनों मिलकर के आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल गई, तो कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, टू मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम टू लिखेंगे और यहाँ पे भी टू मॉलिक्यूल्स निकल गए हमारे, ठीक है। अब आगे वाला जो हमारा स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन, चेन को इनिशिएट करेंगे अब, ठीक है। तो द फ्री रेडिकल फॉर्म्ड एड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ द मोनोमर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा, ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये मोनोमर के साथ कंबाइन करेगा, उसका वो जो उसका डबल बॉन्ड होगा मोनोमर का उसके साथ ये एड अप करेगा ताकि एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर सके। जैसे कि ये है रेडिकल प्लस मोनोमर, ताकि ये जो रेडिकल है ये शिफ्ट कर जाए मोनोमर के पास। अब यहाँ पे ये है हमारा रेडिकल, ठीक है, ये है। तो ये क्या है, मोनोमर, किसका मोनोमर है, ये इथिलीन का, ये इथिलीन है हमारे पास मोनोमर इथिलीन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये जो नीचे वाला ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं हो सकता है। तो अगर ये वाला कार्बन चाहता है कि मैं इस वाले रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्म करूं, तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है और ये क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो ये
वीक बॉन्ड होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले कार्बन के पास शिफ्ट कर जाएगा और ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन ने और इसके रेडिकल ने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है, और ये वाला जो रेडिकल था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप की। तो द फ्री रेडिकल जनरेटेड फ्रॉम द मोनोमर, ये जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है मोनोमर से, एड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर टू फॉर्म अ लार्जर फ्री रेडिकल। द रेडिकल दस फॉर्म्ड एड्स टू अनदर मोनोमर मॉलिक्यूल टू फॉर्म इवन लार्जर मॉलिक्यूल। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द चेन इज टर्मिनेटेड। अब क्या होगा, दोबारा से यही प्रोसेस चलती रहेगी। जिस तरह यहाँ पे ये एडअप हुआ मोनोमर, तो अब यहाँ पे आगे एक और मोनोमर एड होगा, ठीक है, फिर वहां पे वो जो रेडिकल है वो उस वाले मोनोमर के एंड में शिफ्ट कर जाएगा, फिर दोबारा दोबारा इसी तरह से ये एडअप होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आप, ये है हमारा यहाँ पे रेडिकल ना, तो ये दूसरा हमारा मोनोमर है इथिलीन, ये हमारा मोनोमर है, इसके साथ ये दोबारा से वही सेम स्टेप होगा। यहाँ पर भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये इस तरह से रेडिकल जनरेट हो गया। क्योंकि अब हमने कहा कि चेन प्रोपेगेट होती रहेगी, मोनोमर एडअप होते रहेंगे, तो अब उसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स एडअप करेंगे, तो हमने यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है। एन कितना भी हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जितना भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये है हमारा, हमने इस तरह से इसे शो कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इसमें चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब ये चेन जो है इनडेफिनेटली ग्रो करती जा रही है, ठीक है, अब हमें इसे स्टॉप भी करना है, तो हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, टर्मिनेशन कर देते हैं चेन की, ठीक है। चेन टर्मिनेशन रिजल्ट्स फ्रॉम डीएक्टिवेशन ऑफ ग्रोइंग पॉलीमर चेन एंड मे अकर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं हमारी जिससे हम टर्मिनेशन कर देते हैं ग्रोइंग पॉलीमर चेन की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाय कपलिंग ऑफ मैक्रो रेडिकल्स। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल सैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग मैक्रो रेडिकल्स रिजल्टिंग इन देयर डीएक्टिवेशन। इसमें क्या हो जाता है, जो दो हमारे मैक्रो रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, कपलिंग हो जाती है उनकी, जिससे कि वो जो चेन है वो ग्रो करना स्टॉप कर देती है, और यानी कि उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो आप, ये है हमारा ये वाला हमारा रेडिकल, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग में 2 रेडिकल्स जनरेट हुए थे, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड वाला रेडिकल है, फर्स्ट वाले को तो हमने ले लिया था, जो हमारा सेकंड वाला रेडिकल है उसको हमने इस तरह से लिया है अपोजिटली, तो उसके पास भी एक रेडिकल है, इसके पास भी एक रेडिकल है, तो ये दोनों चाहेंगे कि हम आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब जब बॉन्ड फॉर्म हो गया तो अब यहाँ पे और कोई भी रेडिकल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब चेन अब स्टॉप कर जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये रेडिकल्स बताए हैं, जब आप इसको आगे इस तरह से लिखोगे, आप सेम इसी तरह से लिखोगे इसे, और यहाँ पे आप एक बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी चेन टर्मिनेशन, बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ ग्रोइंग पॉलीमर चेन, जो ग्रोइंग पॉलीमर चेन का हाइड्रोजन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल में, ताकि वो 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म कर सके, जिनमें से कि एक डबल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसके एंड में, और जो दूसरा होगा वो सैचुरेटेड मैक्रोमोलिक्यूल होगा, ठीक है, उसमें यानी कि सिंगल बॉन्ड्स होंगे, वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो ये है, इस तरह से मैंने इसे शो किया है, ठीक है। यहाँ पे CH2 है हमारे पास, तो अगर हम CH2 को इस तरह से लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं,
CH2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से शो किया है, तो ये है रेडिकल, ये है हमारा दूसरा रिंग पॉलीमर चेन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन में से ये वाला हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इस वाले कार्बन के पास यहाँ पे ये रह जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये बन गया इस वाले कार्बन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास तो रेडिकल पहले से ही था, अब ये वाला जो रेडिकल है इसके पास, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये तो हो गया टर्मिनेट, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड, ये क्या बन गया, सैचुरेटेड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है ये, तो ये है हमारा सैचुरेटेड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो ये है, ये वाला मैक्रो मॉलिक्यूल, इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे इस तरह से शो करेंगे डबल बॉन्ड, तो अब ये क्या हो गया हमारा, अनसैचुरेटेड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले स्टेप ने टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिए अलग अलग, और इनकी टर्मिनेशन भी हो गई, ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है चेन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये इन्वॉल्व करता है इंट्रैक्शन ऑफ ग्रोइंग पॉलीमर चेन विथ अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। सैचुरेटेड जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ था, ठीक है, वैसा ही सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, ग्रोइंग पॉलीमर चेन उसके साथ में रिएक्ट करेगी, ठीक है, उसकी उसके साथ में इंट्रैक्शन होगी। इन दिस प्रोसेस एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीमर चेन पेयर इट्सेल्फ विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अनदर पॉलीमर चेन। इसमें भी वही होगा, इसमें भी जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ग्रोइंग पॉलीमर चेन के एंड में, वो खुद को पेयर कर लेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसका विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अनदर पॉलीमर चेन, ठीक है। जो दूसरी पॉलीमर चेन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो खुद को पेयर कर लेगा, ठीक है, क्रिएटिंग अ फ्री रेडिकल समवेयर इन द मिडल ऑफ द चेन। इस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी दूसरी वाला जो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा उसके कहीं मिडल में एक क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दिस न्यू एक्टिव सेंटर रिएक्ट्स विद मोनोमर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रांच्ड पॉलीमर। अब ये जो न्यू एक्टिव सेंटर होगा, ये हमारे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। न्यू एक्टिव सेंटर मोनोमर के साथ रिएक्ट करने के बाद रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर, इससे हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर बन जाता है, ठीक है, चेन ट्रांसफर रिएक्शन इस तरह से होगा। ये है हमारा, ठीक है, रेडिकल, यहाँ पे हमारा ये रेडिकल है, तो ये है हमारा सैचुरेटेड मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, सैचुरेटेड मैक्रोमोलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमने कहा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये खुद को पेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टर्मिनेट, ये तो हमारा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारा ये वाला हुआ हमारा टर्मिनेट, ठीक है, क्योंकि इस ये वाले रेडिकल ने और इस वाले हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गए। लेकिन ये जो ये वाला कार्बन था, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले मोनोमर के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बना देंगे, ठीक है। एक इस तरह से हमारी चेन बन गई और एक इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो ये थी हमारी चेन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। ये थ्री स्टेप्स थे चेन को टर्मिनेट करने के, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करेंगे,
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट सेक्शन पर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर भी कीजिए। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।